मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे मार्गदर्शक, मैंने उन्हें किस रूप में देखा? मेरे अंतरंग की गहराइयों में जो खजाने भरे पड़े हैं, कभी लगता है उन पिटारियों को, उन खजानों को खोल कर रख दूँ। आज घटना याद आती है बहुत पुरानी, उम्र शायद मेरी उम्र यही 5-6 साल की रही होगी। 1008 कुंडी यज्ञ की तैयारियां चल रही थी। जैसे सब पिता होते हैं, गुरुदेव ने हमको भरपूर प्यार दिया। शाम होती थी, अपनी छाती पे बिठाकर कहानियां सुनाया करते थे, दिन भर की रिपोर्ट पूछा करते थे। वो प्यार से लबालब अंतकरण याद है। यज्ञ की तैयारियां चल रही थी, गुरुदेव की उसमें व्यवस्थाएँ बढ़ गई थी। हम रोज ये सोचा करते थे, आज पिताजी आएंगे, आज हम कहानी सुनाएंगे, आज हमसे पूछेंगे तुमने बच्चों दिन भर क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, कौन कौन लड़ा, कौन कौन नहीं लड़ा। दिन भर की रिपोर्ट बच्चों की जैसी थी। दिन निकलते जाते थे, पिताजी की व्यवस्थाओं के बीच में वो सब चीज़ संभव नहीं हो पाती थी। चूँकि बचपन से ही साधना करने की आदत रही, रोज एक माला जप किया करते थे। एक दिन नींद जल्दी खुल गई, पता नहीं कितने बजे होंगे, याद रही। सीधे साधना कक्ष में पहुंच गए प्रणाम करने के लिए, माला करने के लिए। वहां जाके देखा तो नज़ारा ही कुछ अलग था। वो गायत्री माँ जो चित्र में समाहित थी, वो गायत्री माता एक सुंदर रूप धरे सामने बैठी है और गुरुदेव उनकी गोद में सिर रख के अविरल आँखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। माँ सिर सहला रही है। वो नज़ारा देखकर एक बार को पहुँचक के थे, थोड़ी देर देखते रही क्या चीज़ है, समझ में नहीं आया, लगा शायद कोई भूत प्रेत लीला तो नहीं। फिर अपने दिमाग को झटका दिया, दिमाग को झटका दिया तो सब यथावत था। चित्र अपनी जगह विराजमान था, गुरुदेव अपनी जगह ध्यान मग्न थे। चूँकि मैं पीठ की तरफ थी इसलिए कोई देख नहीं सका। लौट के आ गई चुपचाप, दिन भर अनमनी सी बनी रही। अपने मन की बात भैया से कही, भैया आज ऐसा ऐसा देखा है। भैया ने डांट दिया, बेकार की बात मत करो, ऐसा नहीं होता है। चुप हो गई, फिर भी मन की गुबार मन में घुमड़ रही थी। माताजी के साथ काम में हाथ बटाते रहे, सोच रहे माताजी से कुछ कहे, डर लग रहा था कहीं ऐसा रहो माताजी डांट लगा दें। हिम्मत जुटा के माताजी से क्या ही डाली अपने मन की बात, माताजी आज ऐसा ऐसा देखा था। माँ मुस्करा दी, कहने लगी बेटा जैसे रामकृष्ण परमहंस को माँ काली का साक्षात्कार था, वैसे ही गुरुदेव को साक्षात्कार है। माँ गायत्री उनसे बात करती है, लेकिन ये अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगी, ये तुम्हें तब समझ में आएगी जब तुम लाखों साधकों को गायत्री की साधना करते अपनी आंखों से देखोगे और देखोगे उनके काम में नियोजित है, तुम्हें भी उन्हीं के काम करने हैं। 5-6 साल की उम्र में ये बातें कुछ समझ में आई, कुछ समझ में नहीं आई। सुन तो ली माँ ने कहा है, क्या करना है क्या नहीं करना समझ के परे थी। जो जो उम्र बढ़ती गई तो एक माला से बढ़ के 5 माला हुई, 5 माला से बढ़ के 1.25 लाख अनुष्ठान हुए। 12-13 साल की उम्र तक आते आते 1.25 लाख अनुष्ठान की श्रृंखला चलने लगी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। उसके बाद शादी का नंबर आ गया। शादी के कुछ दिन बाद ही डॉक्टर साहब की नौकरी यहाँ BHEL में लगी। BHEL की नौकरी के बाद कुछ ही दिन में डॉक्टर साहब का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। पूरा भरोसा था गुरुदेव माताजी पर, अपनी माँ आदिशक्ति गायत्री पर डॉक्टरों ने जब ये कहा
यहाँ के BHEL में वो सुविधाएं नहीं हैं जिसमें इनका उपचार हो सके। डॉक्टर साहब को दिल्ली रेफ़र कर दिया गया। डॉक्टर साहब दिल्ली जा रहे थे, बहुत हिम्मत वाली होने के बाद भी मन अंदर से छटपटा उठा, सीधी सादा कक्ष में गई, बैठ के गायत्री माता के सामने सिवाय रोने की और कोई बात ही नहीं थी, आँखों से आंसुओं की धारा थी, माँ को निहारे जाती थी। तभी देखा माँ के रूप में गुरुदेव प्रत्यक्ष सामने खड़े हैं, सिर पे हाथ धरे और कह रहे हैं, बेटा महा अनिष्ट योग था जो टल गया, अब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। गुरु पर माँ पर पूरा भरोसा, साथ लिए अपने आंचल में पूजा के फूल लिए, वहाँ से उठाई। डॉक्टर साहब दिल्ली चले गए, दिल्ली के बाद भोपाल चले गए, लेकिन भरोसा था कि ठीक जरूर हो जाएंगे। उसके 2 साल तक तो सब ठीक रहा, लेकिन मन में एक भाव जरूर आते रहे, जिस सत्ता ने नव जीवन दिया है वो गुरु सत्ता, जिसने जीवन का आद्यपान कायाकल्प कर दिया है वो जिंदगी गुरु सत्ता के हवाले, आगे की जिंदगी गुरु कार्यों के लिए। 78 में हम लोग यहाँ आ गए। उस गुरु सत्ता के प्यार को भुला सकेंगे, भुला नहीं सकेंगे। एक मेडिकल का वो स्टूडेंट जिसको ढंग से हिंदी बोली नहीं आती थी, कलम हाथ में थमा दी और लिखना सिखा दिया, हिंदी की वो चीज़ें जिसको लोग आज अखंड ज्योति के रूप में, गुरुदेव की वाणी के रूप में पढ़ा करते हैं। बुला सकेंगे, बुला नहीं सकेंगे। हमारे YouTube चैनल शांति कुंजक वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।